सभी को नमस्ते। आज के चमत्कार को सुनने के पहले आइए श्री परम ज्योति कल्कि द्वारा प्रकटित बोध को देखते हैं। जब आप अपने अतीत का सामना करते हैं तब अतीत से मुक्ति मिलती है। आज का चमत्कार। मैं स्विट्जरलैंड से एक भक्त हूँ। कुछ दिन पहले सेक्रेट चेंबर प्रक्रिया जिसका मैं संचालन कर रही थी उसके दौरान मैंने इस चमत्कार का अनुभव किया। शुरू में मुझे लगा कि मुझे किसी भी खास विषय पर मनन करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं बहुत समय से आनंद की स्थिति में हूँ। पर अचानक मुझे याद आया कि कुछ रात पहले मैं गहरी नींद से बेहद घबराहट में उठी थी। सर से पांव तक की थर-थर कांप रही थी। साफ तौर पर ये मृत्यु के डर की घबराहट थी। मैं उस घबराहट के साथ रही और श्री परम ज्योति कल्कि से मेरी सहायता करने की प्रार्थना की। फिर कुछ समय बाद मैं सो गई। अब जब मुझे वो वाक्या याद आया तो श्री भगवान ने मुझसे कहा, तुम अपने को जीवन मुक्ति पाने के लिए अयोग्य समझती हो। भीतर ही भीतर कहीं मैं जानती थी कि यही यथार्थ है। दूसरे चैम्बर में श्री मूर्ति के सामने मैंने श्री भगवान को ये बताया और तब मुझे करीब 20 साल पहले एनर्जी हीलिंग के दौरान का बहुत शक्तिशाली अनुभव याद आया। तब मैंने वो पल जिए थे जब प्राचीन मिश्र में एक दीक्षा लेने में असफल रही थी और मेरी मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु के समय का अपराध बोध इस जीवन में एक हारी सी मानसिकता और अधूरेपन की भावना दे रहा था और मैं मानती थी कि इसे वापस पाने में 3000 वर्ष लगेंगे। ये बहुत ही डरावना था। फिर इस चैम्बर में अचानक ही मैंने अपने बाएं तरफ बाज के सर वाले भगवान होरस को देखा। वे अपने हाथ में गोल्डन बॉल लिए हुए थे और फिर उन्होंने वो बॉल चौथे और पांचवें चक्र के बीच मेरी छाती में डाल दी और मैं फिर से पूर्ण हो गई। पहले मैं जितना वेदना में रोती थी उतना ही मैं आज हंस रही थी। इस अनुभव से मुझे मालूम हुआ कि क्यों मैं अपने को जीवन मुक्ति के लिए अयोग्य समझती थी। घबराहट इस बात की थी कि मैं फिर कहीं मर ना जाऊं। इस हीलिंग के लिए सर्वप्रिय श्री परम ज्योति कल्कि कोटि कोटि धन्यवाद।